हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया चल रहा है सब कुछ मामला? 37 दिन रह गए, 37 डेज टू गो। एनडीए वालों, क्या हाल चाल है? धक धक बढ़ना शुरू हुई? काउंटडाउन शुरू हो गया? नहीं हो गया? तो सबसे पहली बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर मेरी पिक्चर आपको साफ दिखाई दे रही है और मेरी आवाज भी अगर आपको साफ सुनाई दे रही है, हालांकि अभी हमारे कैमरा पर्सन कैमरा सेट करने पे लगे हुए हैं क्योंकि अभी 4 मिनट बाकी है 7 बजने में, उससे पहले कैमरा सेट हो जाएगा, मामला फिट हो जाएगा। तब तक ये बताओ, हालचाल सब बढ़िया? एक नंबर, सब बढ़िया है। तो आज एक काम करो यार, सब लोग अपना इतना लिख के भेजो, कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए। आज जय हिंद की जगह गुड इवनिंग जगह यही लिखो, कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए, या लिखो भौकाल जिंदाबाद, कुछ और लिखो फंकी सा, कोई छोटा सा अपना ऑब्सेशन स्टेटमेंट लिख के दो मुझे। क्या लिखा है, क्या लिखा है? अरे अभिमन्यु सर की एंट्री अलग ही होती है। शिवा त्रिपाठी, अरे बेटा क्या बात है। सत्येंद्र सिंह, क्या हाल चाल? अभिमन्यु यादव, आप तो मिस्टर इंडिया हो गए। अबे कहाँ मिस्टर इंडिया हुए यार, कल वीडियो अपलोड किया, आज लाइव आ गए, परसों लाइव थे ही, अभी होली के खेले थे अच्छे से। पुष्पित त्रिपाठी, जय हिंद गुरु जी, जय हिंद बेटा। दिव्यांश सिंह, शिवा त्रिपाठी, प्रशांत कुमार, प्रशांत कुशवाहा, जुबैर अली, दिव्यांश सागर, एजुकेशनल मोटिवेशनल सेम, बबलू कुमार यादव, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। शरद सिंह, सत्येंद्र सिंह, आई एम गुड, मैं बहुत बढ़िया हूँ। बबलू कुमार यादव और जामवंत राय, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? चलो चलो चलो। कृष्णा मिश्रा, हेलो हाय, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग पवन कुशवाहा। सर पीछे से कमेंट पढ़ रहे हैं? अबे पीछे से नहीं, हम आगे से कमेंट पढ़ रहे हैं। हम पीछे से कमेंट क्यों पढ़ेंगे यार? हाँ, रवि कुमार नमस्ते, खुश रहिए बच्चे रवि कुमार। ऋषिकेश पिंगले, जय भोले। स्तेन सिंह, गुड इवनिंग। प्रियांशु तिवारी, गुड इवनिंग। रवि कुमार, एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप, मुझे पता है 2-3 दिन एग्जाम को बचे हुए हैं। बबलू कुमार यादव, गुड इवनिंग सर, बेगूसराय बिहार से, ओहो क्या बात। और सत्येंद्र सिंह, चलो ठीक है, सब लोग जल्दी से लाइव आ जाओ बच्चों, फिर खेल शुरू किया जाए आज का। मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है क्या? सर आप 1/cosC लग रहे हैं। श्रेयांश मिश्रा, अच्छा सेक्सी, ओहो अच्छा, वो ये लिखे हो, हमको लगा √1+tan²C लिखते हैं। हरे कृष्णा। अश्विनी सिंह, कैसे हो अश्विनी सिंह? और अजय प्रताप बौधा, नहीं कुछ और होगा, बौद्ध। जय भीम सर जी, जय भीम। पवन कुशवाहा, जय बाबा की, जय हो। चलो आओ शुरू करते हैं आज की कहानी है। तो बच्चों क्या हाल चाल है सबके? बेहतरीन है? फाड़ रहे हो, नहीं फाड़ रहे हो? तैयारी हुई चल रही तब? एक नंबर, एक्स ग्रुप, नेवी आई ग्रुप, सबका सेंटर आ गया ना? अच्छा लखनऊ उखनऊ सेंटर गया है जिसका, तो लिख के भेजो लखनऊ सेंटर गया नहीं गया, ठीक है। खैर लखनऊ के कुछ सेंटर्स पर हम विजिट करने वाले हैं एक्स ग्रुप वाले एग्जाम में, देखेंगे जिसकी मुलाकात होती है तो मिल जाएगा आराम से। और पढ़ाई चल रही है, फाड़ फिजिक्स मजे ले रही जिंदगी तुम्हारे है, मजे ले रही नहीं ले रही है? तो फिजिक्स अच्छे से फिजिक्स पढ़ लो बेटा, बहुत सारे चैनल्स हैं, नहीं तो जहाँ भी तुम पढ़ रहे हो गए, सेल्फ स्टडी कर रहे हो गए, अच्छे से पढ़ लेना। न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल मत पढ़ना, क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस पे भी आता है तो वो भी पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और क्या पढ़ रहे हो? अंग्रेजी, अंग्रेजी कैसी चल रही तुम्हारी? इंग्लिश, इंग्लिश बढ़िया पढ़ रहे हो? वोकैबुलरी के साथ साथ रूल भी पढ़ लेना। अब आते हैं अपनी गणित पे, है मैथमेटिक्स। तो बालक आज इसीलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री उठाया हूँ, पहले मेरा आज मन था कैलकुलस का टॉपिक उठाने का, फिर किसी बालक ने मुझे एक बहुत अच्छा सा मैसेज लिखा, और थैंक यू सो मच उस बच्चे के लिए, बहुत ही डिसेंट लैंग्वेज लिखा था, बहुत अच्छे से प्यार से उसने बस रिक्वेस्ट की थी सर ट्रिग्नोमेट्री कुछ और लिखा था उसके बाद, मैं बताऊंगा नहीं वो आपको। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो एक्स ग्रुप पर ट्रिग्नोमेट्री किस तरह की एक्स ग्रुप में आती है, किस तरह की एनडीए में आती है, आज उसके बारे में ही चर्चा होने वाली है, उसी के बारे में प्रश्न होने वाला है, बहुत बढ़िया बढ़िया एक नंबर प्रश्न आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। बट उसके लिए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करो, लाइव को शेयर करो कि मैं सर लाइव आ चुके हैं, तो जो अभी सोस आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, जल्दी से आ जाए वो भी लाइव, और फिर लाइव शुरू करते हैं। सो क्या मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? और जल्दी से यस लिख के भेज दो, यस लिखो अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है और मेरी पिक्चर क्लियर आ रही हो तो। जय हिंद गुरु जी, जय हिंद बेटा। हाय सर, हेलो, क्या दिक्कत है? सब क्लियर आ रही है आवाज सर? ठीक है, ओके ओके, आई वॉज बैक। धीरज बोरा, कहाँ जा रहे हो बेटा? सब सब बढ़िया, टकाटक आ रही है। पीयूष भवसागर, भवसार, चलिए बच्चों फिर शुरू करते हैं आज का काम। हाँ तो आज की कहानी शुरू होती है ट्रिग्नोमेट्री की, मेरी जुबानी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, एक नंबर का टॉपिक, ठीक।
ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? अच्छा ये तो ट्रिग्नोमेट्री दिख नहीं रहा क्या, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, ऐसी क्या बात है भाई। अच्छा लाइट्स आ रही होंगी, है लाइट कैमरा एक्शन, जस्ट अ मिनट, लाइट कैमरा एक्शन। अब दिख रहा ट्रिगो, शॉर्टकट में लिखा है। अच्छा यार ट्रिगो की बात की जाती है, सबसे पहले क्लास नाइन्थ में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, दसवीं में पढ़ी, ग्यारहवीं में पढ़ी, थोड़ी बहुत बारहवीं में पढ़ी, ठीक है। चार साल पढ़ने के बाद भी आते हो एग्जाम की तैयारी करने, फिर एनडीए क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री गलत करते हो, एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री गलत करते हो, क्यों ऐसा होता है? रूट रीजन क्या है, कारण क्या है ऐसा कि क्वेश्चन गलत करके आते हो साला इतना पढ़ने के बाद भी? कोई टॉपिक उठा लो और लिमिट कंटिन्यूटी उठा लो कैलकुलस का, वो तुमने सिर्फ बारहवीं में पढ़ा है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स उठा लो, ट्वेल्थ में पढ़े हो, वो सही कर देते हो, ट्रिग्नोमेट्री आज भी गलत करते हो। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आते कितने हैं एक्स ग्रुप में, नेवी एसएसआर पेपर में, एक्स ग्रुप के पेपर में दो क्वेश्चन आते हैं, तीन क्वेश्चन आते हैं, चार चार क्वेश्चन भी आ चुके हैं, एनडीए के पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं, है। सबसे पहले जानकारी यह होनी जरूरी है कि पेपर में क्वेश्चन कितने आते हैं, तो एनडीए के पेपर में आते हैं इसके लगभग 10 क्वेश्चन, ठीक, और एक्स ग्रुप के पेपर में आते हैं लगभग इसके 2 से 3 क्वेश्चन। तो यार अच्छा 2 से 3 क्वेश्चन, तो बेटा पेपर में क्वेश्चन ही कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन और यहाँ 120 क्वेश्चन, तो दोनों में ट्रिग्नोमेट्री का भौकाल तो है भैया। तो आज मैं एक बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल तरीका बताने जा रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे कम से कम समय में कवर की जा सकती है। सबसे पहले कुछ प्रश्न तुमसे पूछता हूं मैं, सारे फॉर्मूले हम देखो, मैंने कम्युनिटी सुबह डाल दिया था कि आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का लाइव कमेंट करने लाइव सेशन करने वाला हूं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम थोड़ा पढ़कर आए होगे, बिना पढ़े आए हो तो यार उतनी मजा नहीं मिलेगी, पढ़कर आए होगे तो मजा मिलेगी। देखो अब मेरी एक्सपेक्टेशन तुमसे क्या है, अब धीरे धीरे तुम लोग का बोर्ड के एग्जाम भी खत्म हो गए हैं, ठीक है, अब तो लाइव और अच्छे अच्छे होने वाले हैं, जो टॉपिक तुम लोग कहोगे उस टॉपिक पे लाइव में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कहोगे, बट उसके लिए जरूरी है कि भारी भारी मात्रा में जुड़ो लोगों को और बताओ और तुम भी आओ, तुम और हम, बीच में तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। उसके लिए जरूरी है तुम जो टॉपिक कहोगे वो मैं बताने को तैयार हूं अपने तरीके से, कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सब कुछ, बट जरूरी बात क्या है तुम पढ़ कर आओ यार। अब तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ट्रिग्नोमेट्री सुबह मैंने टॉपिक लिखा तो थोड़ा सा रिविजन कर लिए होंगे कि सर आज लाइव लेने वाले हैं पढ़ कर आए, और कई लोग ऐसे चले आए होंगे अरे यार चलो देखते हैं कौन सा फोन में घुस के हमारे कुछ करेंगे, हमारे हम कुछ नहीं करेंगे, 19 अप्रैल को पेपर करता है, ठीक है, तो 19 अप्रैल को पेपर डिस्टर्ब ना करे, इसलिए आज तुम्हें पढ़ के आना चाहिए था, नहीं आए हो कोई बात नहीं अभी देखो। तो यार सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, बहुत सारे फॉर्मूले इस तरह के, कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा, कॉस 5 थीटा, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर उनमें से कुछ फॉर्मूले की मैं बात करूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन से फॉर्मूले हैं बताओ, गेस करो, वो फॉर्मूले हैं सबसे ज्यादा जरूरी फॉर्मूला, मतलब इस पर इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला इसका भी बाप है वो याद करो, टैन, अच्छा वो फॉर्मूला भी नहीं बताता थोड़ी देर पहले मैं। अब होता क्या है ना बेटा हम लोग के साथ जीवन में कांड कैसे होता है, एग्जामिनर दे क्या देता है, हम लोग करते क्या है, एग्जामिनर ने दे दिया बताओ 1 माइनस टैन स्क्वायर, कुछ भी दे दिया ऐसा, फॉर एग्जाम्पल दे दिया 7.5 और 1 प्लस टैन स्क्वायर 7.5, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है। देखो कोई क्वेश्चन में हवा हवाई बता नहीं करता, ये रिलेवेंट मैंने एनडीए का पेपर का रिसर्च करने के बाद निकाला कि ये क्वेश्चन तक एनडीए में नहीं आया है, आ सकता है। अब इसने एग्जामिनर का मोटिव क्या होता है, एग्जामिनर का मोटिव ये होता है चेक करना कि बेटे आपको बेसिक की नॉलेज है और क्या आपको वैल्यूज याद है, उन दोनों का मिक्सचर किया, कॉकटेल बनाया, पिला दिया। अब जिसको ये फॉर्मूला पता है उसके लिए तो ये लेफ्ट हैंड रूल है, हालांकि मैं तो लेफ्टी हूं तो मेरे लिए राइट हैंड रूल है, ठीक है। तो 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस 15। अब कॉस 15 की वैल्यू क्या होती है वो तुम्हें याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू जो होती है जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ मुझे, जैसे देखो तुम लोग जग गए हो सो रहे हो, रिप्लाई करो देखो रिप्लाई करोगे तभी मजा आएगी। अक्षय क्या बात है भाई साहब, भोकाल टाइट। अक्षय जी साहब, सर यू आर लेफ्टी, यस आई एम लेफ्टी मैन, एंड ग्रीक में से बोलते हैं सिंस्टर, या फैज खान लेट हो गया मैं, इट्स लेट बट नॉट टू लेट, कोई बात नहीं अभी भी ज्वाइन कर लो। धीरज बोरा, अच्छा लगता है जब आप मेरा कमेंट पढ़ते हैं, मुझे और भी अच्छा लगेगा कि एक दिन ऐसे तुम लाइव चैट में बोल रहे हो कि सर मैं रिकमेंड हो गया हूँ, बहुत अच्छा लगेगा मुझे।
तो धीरज बोरा तुम रिकमेंड हो जाओगे, पढ़ाई अच्छे से करो। मंजेश गुंड, जय हिंद सर, जय हिंद बच्चे। अब आदर्श शुक्ला का आंसर आया है √3 + 1/2√2, मे बी। और लोग आंसर दो बेटा। अब मनु यादव का आंसर आया है √3 + 1/2√2। सिंह जाटन, राम राम गुरु जी, राम राम बेटा, कैसे हो अनिश। सुंदरम दुबे, हाय हेलो। आम अक्षय सैनी, ओके अक्षय सैनी। गोविंदा कुमार, धन्यवाद बच्चे। चलो काफी लोग का आंसर आ गया, √3 + 1/2√2, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 + 1/2√2। जिनका भी आंसर आया है बिंदास, बेहतरीन, भौकाल। और जिनका नहीं आया है थप्पड़ खाओगे तुम सारो, पढ़ो, पढ़ना वढ़ना शुरू करो, ये सब वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। कॉस 15 क्या होता है, साइन 15 क्या होता है, साइन 18 क्या होता है, कॉस 18 क्या होता है, टैन 22.5 क्या होता है, कॉट 22.5 क्या होता है, पूरा चार्ट बना के रख लो। साइन 30 पता है लल्ला, उससे कुछ नहीं होने वाला, होने तो इससे वाला, समझ में आला। चलो आगे बढ़ ला। अब इसके बाद इसी टॉपिक को थोड़ा सा और घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं आपसे। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, ये बताओ यूपीएससी के क्वेश्चन आउट कर दूं। चलो इस बार का पेपर में पहला क्वेश्चन आउट कर दिया मैंने, आप देखिए कितने लोग इसको कर पाते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, आपके पास है 20 सेकंड। चलो ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा ऑप्शन देता हूं जिससे तुम लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। ऑप्शन दूं कि अपने आप कर लोगे? चलो दे देता हूं ऑप्शन। अच्छा राइटिंग देख क्यों रही है, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन है कॉट 36, दूसरा ऑप्शन है टैन 36, तीसरा ऑप्शन है कॉट 54, चौथा ऑप्शन है टैन 54। इसकी वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताओ। और एक ऑप्शन और देता हूं मैं, चलो नन। मेरा फेवरेट ऑप्शन है, मान लो इसका आंसर ना मिला तो नन। चलो बताओ क्या आंसर होगा, टैन 36, टैन 54, टैन 36, टैन 54, साइन 18। अरे साइन 18 वो तो पुराना क्वेश्चन हो गया बेटा, टैन 36, कॉट 54। बेटा तुम लोग सारे के सारे ऑप्शन तो बोल दे रहे हो। लवदीप सिंह भी आ गए हैं इसी बात पे, लवदीप कंग कहते हैं टैन 54, और अमृतांश कुमार ओझा कहते हैं टैन 36, और मृदुल द्विवेदी टैन 54। अरे मृदुल द्विवेदी बताते हैं अभी तुम्हें है। कृष्णा मिश्रा टैन 36, हिमांशु मुंड ने बोला टैन 36, सब कम 36। चलो देखते हैं, देखो इधर तो बालक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, मतलब इतना सिंपल कि आज के बाद जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। ये पेपर में आएगा, बाय द वे ऐसे क्वेश्चन पेपर में 2 बार ऑलरेडी एनडीए में आ चुके हैं, इस बार भी आ सकता है। सो इस क्वेश्चन के पैटर्न को अच्छे से पकड़ लो, कर लो, मजा ले लो जीवन में। तो बालक एक फॉर्मूला होता है 45 - थीटा, टैन 45 - थीटा क्या होता है, वो होता है टैन 45 - टैन थीटा अपॉन टैन 45 + टैन थीटा। ये होता है फॉर्मूला, टैन 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये लिखा हुआ है 1 - टैन थीटा अपॉन 1 + टैन थीटा, है ना। अब टैन थीटा होता क्या है बेटा, साइन अपॉन कॉस होता है, उसको अगर ब्रेक कर लो साइन अपॉन कॉस में और एलसीएम ले लो तो आएगा क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। क्या वैल्यू आ गई इसी, किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये टैन 45 माइनस थीटा की। अब तुम, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं इसको प्रैक्टिस कर लो, फिर प्रैक्टिस कर लो, फिर प्रैक्टिस कर लो और फिर रट लो, तो कोई बुराई नहीं है, एग्जाम में आपको मदद करेगी। इस फॉर्मूले को देखो और इसे देखो, फॉर्मूले को देखो इसे देखो, अब कितना देखोगे, देख लिया ना, थीटा की जगह पे क्या रखा गया है, 9 रखा गया है तो 9 रख दो यहाँ पे, 45 में से 9 गया कितना आया, 45 में से 9 गया आया टैन 36, और टैन 36 कितना होता है, कॉट 54, तो टैन 36 और कॉट 54 दोनों ही सही है। तो अगर तुमने ये टिक किया तब भी सही है, ये टिक किया तब भी सही है, ठीक है ना, बात समझ में आया। एक बात और, अभी तो मैंने फन वे में रख दिया था दोनों ऑप्शन, एग्जाम में दोनों नहीं आएगा तो चिंता मत करना कि सर ये तो आपने दोनों रख दिया, मैंने तो 5 ऑप्शन लिखे हैं इसीलिए, क्या करोगे तुम। तो एक बात दिमाग में अच्छे से रखो, मैंने दोनों इसीलिए लिखा हूं कि एग्जाम में गलती आपसे हो सकती है कि
आपको मैंने समझा दिया टेन छत्तीस, आप तो रट चले गए। अब वहां पे ऑप्शन आ गया कॉट चौवन का, कॉट छत्तीस का, टेन चौवन का, या एक और ऑप्शन आ गया, तुम तो टिक कर दोगे टेन का आंसर, क्योंकि सर ने कहा था टेन का फॉर्मूला होता है। तो बालक, अच्छा ये तुम लोग को समझ में आया टेन छत्तीस तो समझ में आ गया, कॉट चौवन कैसे होता है? बालक पनीर पालक टेन नाइनटी में सीधा क्या होता है? कॉट थीटा, ये होता है नहीं होता है, बस उस फॉर्मूले से हुआ है, समझ ला? चलो नोट कर लो, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जाओ आंसर बताओ। के एम मोटिवेशन 104 लोग लाइव है सर, अच्छी बात है, कम है और होने चाहिए थे, बाकी लोग सब सो रहे हैं, खोलने दो उनको, होली 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 खेल लूँगा अभी। अरे चिल कर, देखो हमको टेंशन वेंशन नहीं है, जिसको लाइव नहीं आना है ना है, हमको तो लाइव करना है, जितने आते हैं। लवदीप कंग एक नंबर गुरु जी, निखिल सैनी यस सर, सिंह जाटन खतरनाक गुरु जी, अभिमन्यु तो समझ आ गया सर, ये तो बालकों वाला था दिव्यांशु, बड़े मजे लिए जा रहे हैं, अच्छा बेटा दे अच्छा वाला, तो बालक तो तुम भी हो है कि नहीं हो? चलो अच्छा, अगर इसी बात पे एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो ये समझ में आ गया बच्चों को, अच्छी बात है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से सब लोग, ये नहीं पूछते, आसान से पूछते हैं। क्या होगी इसकी वैल्यू बताओ, आंसर बताओ उसका, टैन सेवन एंड हाफ प्लस कॉट सेवन एंड हाफ की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ, आपका आंसर आ चुका है, जल्दी से जल्दी बताइए। आंसर आंसर आंसर, प्रशांत कटियार फोटो भेज रहा है, ब्लर्ड हो रहा है बेटा, देखिए थोड़ा सा, सही हो गया, बस एक मिनट, बट ब्लर्ड हो रहा है, रुक जाइए सर, ब्लर हो रहा है, अरे मालूम है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक नहीं हुआ बेटा अभी, एक मिनट रुक बेटा, एक सेकेंड, थोड़ा सा रुकावट के लिए खेद है, हाँ अब ठीक हो गया, अभी ठीक आ रहा है। धीरज बोरा, बालक कैमरे की चिंता ना करो, कैमरा कौन सा है, अब तो दिख रहा है ना, तुम लोग यार मजे से थोड़ा सा कुछ मजे लेना शुरू कर देते हो, है नहीं, मजे लेने में कोई समस्या नहीं है, बस समस्या ये है कि तो इसको फोकस नहीं करते हो। आंसर बताओ यार, आंसर बताओ, तजेंद्र शंकला गलत आंसर है आपका, अश्विनी सर, अश्विनी सिंह ठीक हो गया, हाँ जी ठीक हो गया, अक्षय 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 का गुस्सा आ गया, क्या हो गया बेटा, गुस्सा क्यों हो गए? राजेश कुमार 4/√3-1, ओके। अनुराग शुक्ला अब कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, ठीक हो गया सर, सही हो गया 2/15 साइन 15, आदर्श शुक्ला गुड, सही है आंसर। चलो देखो बालक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि अगर टैन थीटा प्लस कॉट थीटा कभी भी आपसे पूछ ले, आप कुछ ना करो, 2/sin 2θ बोल दिया करो, और ऐसा कुछ नहीं जुगाड़ उगाड़ है कोई, ये सिंपल सा फॉर्मूला है यार, ये क्या लिखा है साइन अपॉन कॉस, ये क्या लिखा है कॉस अपॉन साइन, एलसीएम ले लो, नीचे क्या आएगा साइन कॉस, ऊपर क्या जाएगा 1/sin cos 2/2 कर दो तो 2/sin 2θ फॉर्मूला बन जाएगा। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये फ्रेमिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए इसकी, ठीक है ना, और अगर ये फ्रेमिंग है तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 2/sin कितना हो जाएगा बेटा 15, अच्छा साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, साइन 15 की वैल्यू होती है √3-1/√2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा, है ना, जल्दी समझो, डाउट हो तो पूछो, साफ नहीं आ रहा है, चलो ठीक आ गया था क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहो बेटा, हवा में मत पढ़ो, बाद में भूल जाओगे फिर एग्जाम में, ठीक है, तो जो जो चीजें बता रहा हूँ नोट करते रहो। देखो ट्रिग्नोमेट्री उतनी डिफिकल्ट होती नहीं है जितनी आप लोग समझ लेते हो, ट्रिग्नोमेट्री एक आसान सा टॉपिक है, प्रोवाइडेड आपने उसको लॉजिक किस तरह से पढ़ा है, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ था एग्जाम में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 360 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 60, इसकी वैल्यू पूछा गया है और ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क्यों दूं, अपने आप करो, हवा में करो,
बताओ क्या आंसर आएगा इसका। इसका ऑप्शन था 1, 3 बाय 4, 3 बाय 2, नन। चलो बताओ, ये ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 60 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 60 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड योर ऑप्शन आर दीज 4। जस्ट टेल मी द आंसर, क्या हो गए इसके आंसर, जल्दी से बताओ आंसर इसका। अर्पित सिंह का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, गुड, एक्सीलेंट का आंसर आया है। देव प्रकाश का आंसर आया है, कृष्णा मिश्रा का आंसर आ गया। आंसर बहुत बच्चों ने दिया है, कुछ लोगों ने लगाया है, कुछ लोगों ने हवा मार दिया है। तो जिन्होंने लगाया है गुड, नहीं लगाया है तुक्का मार रहे हो, गलत बात है, तुक्का मत मारो बेटा। अब ऐसे क्वेश्चन को दो तीन तरीकों से करते हो आप लोग। एक तो तरीका ये है कि आप इसको सॉल्व करते हो भाई लॉजिकल फॉर्मूले से पूरा, ठीक है, पर आपको एग्जाम में यार सॉल्व करना है, यू जस्ट हैव टू चूज द राइट आउट ऑफ 4 ऑप्शन, राइट, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो सबसे आसान तरीका क्या है इसको करने का, सबसे आसान तरीका ये है, आप कुछ ना करो, आप थीटा की जगह पर 0 डिग्री डाल दो। एंगल पुटिंग इज द ब्रिलियंट मेथड, ठीक है, हजारों जगह आपने सुना होगा ऑफलाइन ऑनलाइन, और ये तरीका मैं भी हमेशा कहता हूँ कि ये तरीका एक ऐसा है जिसे रामबाण की तरह समझिए आप, पेनेसिया है ये हमेशा काम करता है। अब 0 डिग्री आपने डाल दिया, यहाँ पे डालो तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पे डालो साइन 60 कितना होता है, √3/2, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4, यहाँ डालो साइन 60 कितना होता है, √3/2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4, 3/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा, 3/2, सो योर आंसर इज 3/2। तो जो बच्चे 3/4 और 1 बता रहे थे, बच्चे ऐसे नहीं करते, आप एग्जाम में गलत करके चले आओगे, फिर ना बोलना बताया नहीं था, ठीक है, तुक्का मत मारिए। एक बात समझिए, एनडीए में सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है पता है, रिटन क्वालिफाई ना होने का। हम लोगों को अटेम्प्ट करना नहीं आता पेपर, हम लोग जानते हो 40-45 क्वेश्चन सही तो कर लेते हैं, पर साथ में 20-30 क्वेश्चन गलत जो करते हैं वो निगेटिवली आता है। तो कोशिश करिए अपनी एफिशिएंसी 95% प्लस रखिए, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रॉन्ग है वो कम से कम हो, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो राइट है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, जिससे चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाती है। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं, इतनी वजह समझ में नहीं आई। फैज खान बिल्कुल जहर, के मोटिवेशन आई एम राइट। अमृतांश कुमार ओझा, थैंक यू सो मच बेटा, सर आप बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हो, थैंक यू सो मच। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करें, अक्षय का क्वेश्चन है। बेटा एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप कंसेप्ट पे काम करिए, कंसेप्ट ट्रिक्स जुगाड़ जो भी है उसके साथ में प्रैक्टिस का जुगाड़ लगाओ। यानी कि आप जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, अगर मैं बात करूँ आप लोगों के पास हो सकता है एनडीए की आर एस अग्रवाल एक किताब है वो हो आपके पास, या आपके पास पाथफाइंडर होगी, या आपके पास कोई और बुक होगी, तो आप लोग जितना ज़्यादा उसको लगाओगे ना, जितना ज़्यादा उसको गो थ्रू करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कोई भी आंसर टिक करने से पहले आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, भाई ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब जैसे इस क्वेश्चन में था 3 टर्म का स्क्वायर दिया हुआ था, तो अगर मान लो कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होता जो नेगेटिव में होता, मैं उसको तुरंत काट देता कि वो तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप तुक्का मार रहे हो, विच इज़ नॉट राइट, देखो YouTube पे भी कई लोग ऐसे हैं जो चीट कोड्स, तुक्का कैसे मारे हैं, गेस कैसे मारे हैं, इस तरह की फालतू बातें बोलते रहते हैं। गेस करना, तुक्का करना इज नॉट द सोल्यूशन, इंटेलिजेंट लॉजिकली आप टिक कर रहे हो, दैट इज गुड, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इज ब्यूटिफुल मेथड, बट आई वोंट एंडोर्स द मेथड लाइक तुक्का और चीट कोड्स और ये वो, कुछ नहीं होता इस तरह का। हाँ, यू कैन अटेम्प्ट द राइट क्वेश्चन आउट ऑफ 4 बाय यूजिंग लॉजिक, ठीक है। आप जो लॉजिक लगा रहे हो, लाइक 4 ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसलिए नहीं होगा बिकॉज कुछ कारण होगा, ये ऑप्शन इसलिए नहीं होगा, अब 2 बचे हुए, तो आप ऐसे करते हैं क्वेश्चंस, बट वो भी तब करते हैं बेटा जब आप 60 क्वेश्चन तक सही कर चुके हो। रिस्क लेने का आपका कैपेबिलिटी तभी आप आती है जब 60 क्वेश्चन आप पेपर में सही करते हो। यार देखो 37 दिन बचे हुए हैं, समझ रहे हो, 37 डेज, एवरी डे काउंट्स, हर दिन काउंट हो रहा है। अगर तुम 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप 100-100 क्वेश्चन डेली मैथ के लगा रहे हो, इंग्लिश की वोकैबुलरी एक अल्फाबेट की खत्म कर रहे हो, ग्रामर के रूल्स पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, फर्क पड़ता है, ठीक है, फर्क पड़ता है। तो अगर यार वही है ना कि अपनी कंफर्ट जोन के बाहर ही नहीं आ रहे हो, देखो 95% ऑफ द पीपल आर बिजी इन प्रूविंग एंड 5% ऑफ द पीपल आर बिजी इन इंप्रूविंग। आप इंप्रूव करने में दिमाग लगा रहे हो या प्रूव करने में दिमाग लगा रहे हो, तो आपके ऊपर सेट होना चाहिए। प्रूव मत करो, इंप्रूव करो, ठीक है ना बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और बात है जो कि बहुत जरूरी है इसके साथ जानना आपको, जैसे कि मान लीजिए, अच्छा वो तो आप लोग कर लोगे उस तरह से। एक क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आता रहता है, और आई गेस कि आप लोग भी उससे काफ़ी फैमिलियर हो गए।
क्या आंसर होगा इसका? कम ऑन, जस्ट राइट द आंसर. दिव्यांशु पाल, वोकैबुलरी कब दोगे सर? बेटा वोकैबुलरी वाला सेक्शन भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, ठीक है. वोकैबुलरी भी होगा, साइंस का भी होगा, ठीक है. अच्छा वैभव पंडित मजे में सर, वैभव पंडित पंडित मजे में सर, एलएमएल मजबूत पोजीशन, लोड मत लो, वेरी गुड. टाइम बहुत कम बचा हुआ है अमृतांश, ठीक है कोई बात नहीं. सिंह जटन लव यू सर, लव यू बेटा 7/8. कृष्णा मिश्रा कह रहे हैं कि गुरुजी पथफंडर भी हमारे लगे हैं, ठीक है लगाओ कोई दिक्कत नहीं, पथफंडर में बुरी बुक नहीं है. मैथ्स के लिए टिप्स दीजिए, मैं टिप्स दूंगा बेटा. हाय अरुण जेटी, हाय अनुराग मिश्रा जो देर से जुड़े हैं, गलत बात है, टाइम से आपको आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अब तो जुड़े हैं देर से, अब क्या कर सकते हैं. भरत सदौरिया कह रहे हैं कि एक्स ग्रुप के बारे में बताइए, कम दिन बचे हुए हैं. तो बेटा एक्स ग्रुप के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, एक्स ग्रुप के बारे में अब 2-3 दिन बचे हुए हैं. अब यार देखो, अब वो समय नहीं है कि आप फिर से बहुत सारी पढ़ाई करो. आई होप आप लोग पढ़ाई ऑलरेडी कर रहे होगे, ठीक है. ट्वेल्थ पास आउट ही जाता है, एक्स ग्रुप वाले फॉर्म भरते हैं. तो अगर आप तैयारी कर चुके हो, अब आपको सिर्फ चाहिए रिविजन का मोड. तो जितने मेरे वीडियोज़ पढ़े हैं, या आप किसी और भी अगर मेंटोर को फॉलो कर रहे हो, उसके जो वीडियोज़ पढ़े हैं उनको जितना हो सके गो थ्रू करो. फ्लो चार्ट्स बनाओ चैप्टर के, हर चैप्टर के. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ किसी भी चैप्टर की, लाइक बाइनोमियल की बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ, कैलकुलस की बात कर रहा हूँ, किसी और चैप्टर की बात कर रहा हूँ, चैप्टर का नाम लिखो, सारे फॉर्मूले एक पेज में लिखो, एक पतली सी फॉर्मूला शीट अपने आप बनाओ, कोई फोटो चिपकाने की जरूरत नहीं दीवार पे, अपने आप बनाओ, उसको रिवीजन करना शुरू करो आप, ठीक है. जितना रिवाइज कर पाओगे उतना वहाँ एग्जाम में दिमाग काम करेगा, ठीक है. और किसी की बात ऐसे मत सुनना, कोई तुमसे अगर आके बोलता है कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट आती है, मैथ बहुत डिफिकल्ट आती है, तो अब फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो प्रिपरेशन होनी थी हो चुकी, ठीक है. अब प्रिपरेशन चेंज तो नहीं कर दोगे ना, अब जो है तो वही है. अब हमारे पास जो वेपन है हम उससे ही तो फाइट करेंगे. अब कुछ नया वेपन अचानक 2 दिन में नहीं ला पाओगे ना बेटा, तो आप उसके जो था लोड मत लीजिए, ठीक है. लोड नहीं लेना, आराम से काम करिए. अभी आपके 2-3 दिन हैं, एंड ट्रस्ट मी मिरेकल होता है, मिरेकल होता है. 2-3 दिन में भी अगर आप चाहो तो काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं आपके लाइफ में, बट उसके लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है. जो मेरी एक लाइन है जिसको मैं बिलीव मेरा है कि मोनोमैनिकल ब्लडी माइंडेड रुथलेस फोकस ऑन अ सॉलिटरी गोल टेंड्स टू सक्सेस, तो वही आपका है यार. जब आपने बना लिया है गोल कि एक्स ग्रुप क्वालिफाई करना है, कोई डाउट नहीं रखना है, तो सोचना क्या है यार, शुरू हो जाओ, लग जाओ, जितना हो सके अपनी पुट इन करो. ये निकल गया तो फिर क्या, समझ रहे हो. अपने लिए कहते नहीं एक स्टेटमेंट होता है ना, इफ़ नॉट यू देन हु, इफ़ नॉट नाउ देन वेन. तो वही आपको बोलना है अपने आपसे कि आप नहीं तो कौन, और आप नहीं तो कब, कब करोगे यार. बार बार अटेम्प्ट देते रहोगे, प्रत्याशी बने रहोगे, कभी रिकमेंड नहीं होना है, होना है ना. तो कुछ नहीं करना है, पढ़ाई करनी है. सबसे दुनिया का सबसे आसान काम होता है पढ़ाई करना, ट्रस्ट मी. मैं अपने आप को सबसे बेस्ट तब पाता हूँ जब मैं पढ़ाई किताबों के बीच में होता हूँ, पढ़ाई करता रहता हूँ. सबसे आसान काम है यार, दुनिया में बहुत सारे टेंशन है, लोड है, नहीं लेना आपको, आपको बस अपनी पढ़ाई करनी है. और मुझे पता है आप कर लोगे. और बिलीफ सिस्टम जो होता है, आप अपने किसी मम्मी पापा भाई जिससे भी आप कनेक्ट हो, आपके टीचर कोई, आप उनके साथ बैठो, बात करो, अपने शेयर्स करो, डिस्कस करो, कोई डाउट आ रहा है तो उनसे बात करो, ठीक है. बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है एक मेंटोर आपके लाइफ में होना, और नहीं है तो प्लीज़ बनाओ, बहुत ज़रूरत होती है लाइफ में आपके आगे भी, इसके सिवा पढ़ाई के सिवा भी चीज़ों में, ठीक है. एक और बात क्रैश कोर्स का, तो जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कई बार, एक बता देता हूँ, क्रैश कोर्स अपना जो लखनऊ सेंटर पे है ऑफलाइन, वो स्टार्ट होने वाला है 23 मार्च को, ठीक है. 23 मार्च को स्टार्ट होने वाला है. और सबसे ज़रूरी बात क्या है, आज इसमें मैं एक अनाउंसमेंट और एडिशनल एडअप कर चुका हूँ जो काफ़ी लोग को पता है, आप लोग को बता देता हूँ कि देखो बेटा 23 मार्च से क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है लखनऊ में मेरा, ये आपको पता है, मुझे पता है. जो ज्वाइन कर चुके हैं 2-3 बैच, 1-2 बैच भर चुके हैं मेरे, और अभी कुछ बच्चे कुछ सीट्स बची हुई हैं उसमें, अभी इनरोलमेंट चल रहा है. अगर आपने अब तक इनरोलमेंट नहीं कराया हो और सोचते हो कराना है, करा लो. एक कंडीशन है, अगर तुमने मेरे साथ जुड़कर क्रैश कोर्स में रिटर्न क्वालिफाई कर लिया तो आई रिटर्न योर 50% फीस, 50% कैशबैक हो जाएगा आपका, समझ रहे हो. और रिकमेंड होने के बाद 100% कैशबैक, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट समझ लीजिएगा आप. बट वो तभी होगा जब आप पहले रिटर्न की तैयारी कर रहे होंगे मेरे साथ मेहनत से. और ये मैंने रखा क्यों है, ये मैंने रखा सिर्फ एक रीज़न है कि जब प्राइज मनी होता है ना तो अपने एफर्ट्स डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं, एन टाइम्स हो जाते हैं. तो एक बात बहुत कायदे से सब लोग समझ लीजिए, जो भी क्रैश कोर्स के लिए आ रहे हैं बच्चों, टेंशन नहीं है, हम लोगों को जी जान लगा के पढ़ाई करनी है और रिकमेंड होना है, समझ रहे हो बात को. और वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, उसमें कुछ तीसरी वाली बात ही नहीं है, और क्लियर कट बात है. या जो नहीं भी आ रहे हैं उनके आप लोड मत लो यार, ठीक है. अब जहाँ भी हो आप, मुंबई में, बैंगलोर में, पुणे में, नासिक में, जहाँ भी आप बैठे हो इस वक्त, जिस भी जगह पे हो, बिहार में हो आप,
पढ़ाई करो और सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूँ मैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ खासियत होती है, जैसे इस क्वेश्चन की बात करूँ मैं। अब यार तुमको मैंने एक चीज़ बताई थी कि साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा बाय 4। ये फॉर्मूला पता है आपको? अब यही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ और इसको मान लूँ थीटा, तो ये क्या लिखा है 60 प्लस थीटा, ये क्या लिखा है 60 प्लस थीटा, ये क्या लिखा है 60 माइनस थीटा, है ना। सो थीटा क्या हो गया आपका 10 हो गया, 60 माइनस थीटा क्या हो गया 50 हो गया, 60 प्लस थीटा क्या हो गया 70 हो गया, है ना। सो अगर आप इस पूरे को रिलेशन को नोटिस करो तो ये क्या इस फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। सो इसकी जगह पे क्या जाएगा बताओ जल्दी से, साइन 3 थीटा, एंड यू सपोज थीटा इक्वल टू 10, तो 3 थीटा कितना जाएगा 30 बाय 4, साइन 30 कितना होता है बेटा 1 बाय 2, कितना आ गया 1 बाय 8। सो आपके इस पूरे की वैल्यू आ गई 1 बाय 8, सो 1 माइनस 1 बाय 8 इज वॉट 7 बाय 8। देखो कितना चीज़ें आसान है, कितनी आसान है। अब अगर ये पता है तो ये आपके लिए आसान है, नहीं पता है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट था। तो डिफिकल्ट और आसान के बीच में यही होता है कि नोइंग और अननोइंग वाला जो अंतर होता है, ठीक है। चलो आप लोग जरा कमेंट्स पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हो। बेटा कोरोना वायरस की चिंता ना करिए, यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में समस्या है, दिल्ली में कहते सब बंद हो गया है सिवाय जो स्कूल में CBSE के एग्जाम होने हैं, लखनऊ में ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग हम लोग जी जा रहे हैं नहीं जी रहे हैं। और ख़तरा तो फिर सब जगह यार, अगर आप मुंबई में हो, आप बैंगलोर में हो, आप नासिक में हो, कहीं भी हो, खतरा तो फिर वहाँ भी है, और यहाँ पे ऐसा कोई ख़तरा नहीं होगा ये मैं बोल सकता हूँ। बाकी बिलीफ सिस्टम आपके ऊपर है, डरोगे तो फिर ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है, योर चॉइस, कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ आगे क्वेश्चन करते हैं। कई बच्चे परेशान हैं GAT के कोर्स के लिए, तो बालक ये मान लो ये गुड न्यूज़ आपको अगले 2 से 3 दिनों में मिल जाएगी, जैसे ही CBSE बोर्ड का पेपर ख़त्म होगा मैं तुरंत ही दोनों चीज़ों का, एक जो GAT का आप सोल्यूशन मांग रहे हो उसका और एक मॉक टेस्ट का, इन दोनों का ही अनाउंसमेंट, जैसे ही 17 को आपका CBSE बोर्ड का पेपर ख़त्म होगा 18 को मैं इसका अनाउंसमेंट कर दूंगा, ठीक है। 18 तक हमारे नोट्स ऑलमोस्ट पूरे बन ही चुके हैं, तो उसका कोई हेडेक नहीं है, पर तब तक पढ़ाई मत बंद करो, पढ़ाई करते रहो, और एक्स ग्रुप वालों जान लगा दो, जान लगा दो, ठीक है। जैसे एक सागर सर है ना यूट्यूब पे, वो बोलते हैं जान लगा दो या जाने दो, वही वाली बात है, जान लगा दो या जाने दो, पढ़ लो या बढ़ लो। चलो देखो अब एक क्वेश्चन आता है इससे इस तरह का, मान लीजिए आपको दिया हुआ है, नहीं वो तो आप कर लोगे इस तरह क्वेश्चन था आप, चलो ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके कॉस के ऊपर कि कॉस 3x माइनस 10, कॉस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू साइन 6x प्लस 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो बताओ इसका आंसर, कॉस x 3x माइनस 10 प्लस 6x प्लस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बताओ इसका आंसर। देखूँ कितना अच्छा सा आप लोग तैयार हैं ट्रिग्नोमेट्री, जल्दी तो जल्दी तो लेट ना करो, हार को हराना है सर जी। सर इंग्लिश भी इंक्लूड करेंगे आप? हाँ बच्चे इंग्लिश भी रहेगा सब कुछ, एवरीथिंग। ब्लर हो गया? नहीं बच्चे ब्लर नहीं है बिल्कुल। शिवेंद्र सिंह लव यू सर फ्रॉम चंडीगढ़, करण राणा। अच्छा हाँ मैं एक अभी सेमिनार करने जा रहा हूँ 22 मार्च को, आप में से जो भी अगर फैज़ाबाद अयोध्या के आसपास रहता है तो मैं 22 मार्च को एक सेमिनार कर रहा हूँ, फ्री सेमिनार है, करियर परस्पेक्टिव्स के बारे में बात करूँगा कि 12th के बाद ऑफिसर जो एंट्रीज होती हैं NDA होता है या और भी करियर ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में 22nd ऑफ मार्च को मैं एक सेमिनार कर रहा हूँ कौटिल एकेडमी फैज़ाबाद में। तो अगर आप उसके आसपास कहीं रहते हो, अयोध्या के आसपास किसी बेल्ट में कहीं रहते हो तो आप आ सकते हो, अगर उसकी डिटेल्स चाहिए तब भी आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको रिलेवेंट डिटेल्स भेज दूंगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री सेमिनार है, अयोध्या यानी फैज़ाबाद राम जी की नगरी में है, ठीक है। तो फैज़ाबाद में कौटिल एकेडमी है, ठीक है, अवध यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में है, वहाँ पे 22 मार्च को 11 बजे है। तो अगर आप में से कोई फैज़ाबाद के आसपास रहता है, तो गोंडा हो गया या बस्ती हो गया या और आसपास एरिया में या रुदौली तक हो गया लखनऊ से लेकर, तो वो आ सकता है, मोस्ट वेलकम। 10 आंसर लिख रहा है इसका कर लो। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं,
अब यार एक बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, कॉस 3x माइनस टेन को लिखकर रख दिया, साइन को लिख सकते हैं हम लोग क्या, कॉस 90 माइनस 6x प्लस 10 लिख सकते हैं, सही लिखा है कि नहीं लिखा है, सही लिखा है, कॉस और कॉस गेट एलिमिनेटेड, 3x माइनस 10 प्लस 6x प्लस 10 इक्वल टू 90, 10 और 10 गेट कैंसल्ड आउट, 9x बराबर 90, तो x बराबर क्या आ गया 10, ब्रिलियंट, जिसका भी सही आंसर आया था, बहुत से बच्चे, ये किसका आया था आंसर सही, मुकुल आनंद है, भूपेंद्र तनवर है, आलोक कुमार है, विवेक राज है, तुषार कुमार है, सर 17 है, अश्वनी रघुवंशि गलत है बेटा, सर आपका नंबर एक्सीलेंट क्लास रांची, बेटा मेरा नंबर है 8840409878, मेरे हर वीडियो में नीचे आता रहता है, उसमें देख लिया करो, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर पड़ा हुआ है, मेरे हर वीडियो में आता है नंबर, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। सागर कप, लव योर टीचिंग सर, सर्वेश कुमार आ रहे हैं, अच्छा आप फजात के आसपास रहते हैं तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सामू स्टूडेंट सही आंसर है बेटा, देव प्रकाश पांडे सही आंसर है, अनुराग शुक्ला सही आंसर है, अक्षय गजब मैन थैंक यू सो मच, देव प्रकाश पांडे गोरखपुर में भी सेमिनार करिए, बिल्कुल बेटा देव आप गोरखपुर भी मैं करूँगा सेमिनार, बिल्कुल आपने बुलाया है तो ज़रूर करूँगा, उसके ऊपर भी सेमिनार की वीडियो सर चैनल पर डालेंगे, हाँ बच्चे सेमिनार के वीडियोस चैनल पर पढ़ेंगे उसके, ठीक है। और लिमिट एंड कंटिन्यूटी, हाँ इसके बाद अगला वीडियो लिमिट एंड कंटिन्यूटी का है, भूपेंद्र तनवर यू आर द बेस्ट सर, बेटा यू गाइज आर बेस्ट, कभी स्टूडेंट जो टीचर होता है ना, टीचर टीचर तभी होगा जब स्टूडेंट उसकी वैसे इज्जत करेगा, अगर आपको कल NDA क्वालिफाई हो गया ना तब आप मुझे टीचर बनाओगे, अगर आपका आपकी सक्सेस में 0.01% भी मेरा कंट्रीब्यूशन रहा तो आई रियली फील ग्रेटफुल। सो अगर आप चाहते हो कुछ भी अच्छा करना तो बस यार पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, मैं जितना हो रहा है देखो यार मेरा ये टीचिंग पैशन रहा है, ठीक है, मैथ्स टीचिंग डिफेंस ये तीनों ही एक मेरा पैशन में है, ठीक है, स्पेशली मैथमेटिक्स, ठीक है, आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम NIT नागपुर, जहाँ मेरे गुरु जिसे मैं बोलता हूँ हमेशा, वहाँ मुझे ऐसे ऐसे मेंटोर ऐसे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मैथ्स की मुझे एक अलग डेफिनेशन दिखाई, मैथ्स को देखने का नज़रिया सिखाया, तो मेरे लिए यार ऐसा है ना कि मेरे ब्लड में है, मुझे मैथ्स पढ़ाना बहुत पसंद है, तो मैं आपको जितना हो सकेगा अब से लेकर अगले चाहे वो एक्स ग्रुप का एग्जाम हो, अभी एक्स ग्रुप का मैं सोच रहा हूँ, अच्छा दो अभी ओपिनियन मैं करवा दूंगा इस लाइव के बाद, मैं एक ओपिनियन पोल कराऊंगा कि आप कल क्या चाहते हो, कल मैं चाहूँ तो एक काम ये कर सकता हूँ कि एक्स ग्रुप पेपर एक पूरा एक्स ग्रुप का मॉक आपको सॉल्व करा दूँ, ठीक है। और दूसरा मैं लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जैसे बच्चे बोल रहे हैं कुछ उसका एक चैप्टर वाइज वीडियो ले लूँ, तो मैं पोल करा दूंगा, अगर आप चाहते हो कुछ भी इनमें से तो आप उसमें अपना व्यू पॉइंट दे सकते हो, वोट ज़रूर दीजिएगा उस पर, जिससे कि मुझे आइडिया मिल पाएगा कि आप लोग की वाकई में नीड क्या है, जिसके अकॉर्डिंग मैं नए नए वीडियोज़ और लेकर आऊँगा, ठीक है। एक बात और है, पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है, अभी मैं चीज़ें और भी प्लान कर रहा हूँ, बट वो सब तभी हो पाएगा जब आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिलेगा, जितना ज़्यादा आप लोग मुझसे जुड़ते रहोगे उतनी चीज़ें और बेहतर मैं लाता रहूँगा। मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं लाइव हो सकता है दो दो बार एक दिन में कर दूँ, ये भी मेरा दिमाग में प्लान है, अभी फिक्स नहीं है बट अभी सोच रहा हूँ ऐसा, बट वो सब चीज़ें बेटा तभी हो पाएंगी जब आप मुझे उस लेवल से इज्जत दोगे, उस तरह से कमेंट करोगे, पढ़ के आओगे, बिना पढ़े नहीं आओगे, ठीक है। तो एनीवेज एक ज़रूरी बात और है कि जैसे आप ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो ट्रिग्नोमेट्री में जब तक आपने एंगल्स याद नहीं किए हैं तब तक आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलो एंगल्स मतलब 30, 60, 90 की बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैं बात कर रहा हूँ 15 डिग्री की, 18 डिग्री की, वो सब वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है ना। सर यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच बेटा, उत्तराखंड आओ सर कभी, हाँ बच्चे सारे प्रोग्राम बनाऊंगा सर, श्रेयांश मालवीय ठीक है, तो आप आ सकते हो फैजाबाद, कोई दिक्कत नहीं है, फैजाबाद में 22 तारीख को है, 22 मार्च को, और 11 बजे से है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार एंट्री है, फ्री सेमिनार है, और सेमिनार बहुत गजब का होने वाला है, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारे हैक्स हैं, मैं लाइव मिलूंगा, आपकी काउंसलिंग भी कर सकता हूँ जो अगर आप चाहते हो तो सब चीज़ें होंगी। अक्षय आपके कभी मिलने आऊँगा पक्का, अरे बेटा कभी भी, लखनऊ में तो रहता ही हूँ मैं, करण राणा ब्लेस्ड, केमिस्ट्री को हेट ना करो बेटा, केमिस्ट्री भी अच्छी सब्जेक्ट है। चिल अक्षय चिल, ओके PPP प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अच्छा बच्चे आज का जो लाइव है कुछ कारण से मुझे यहीं भी अभी रोकना पड़ेगा, इसी लाइव को मैं कल कंटिन्यू करूंगा,
तो मैं अभी कम्युनिटी पे अपलोड कर दूंगा, तो आपका जैसा भी होगा उसमें बताइएगा। और आज का लाइव थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, बट ये है कि इस लाइव को मैं और बड़ा करता रहूँगा आने वाले समय में। तो इस लाइव वीडियो को जितना हो सके शेयर करो और बच्चों तक पहुँचाओ, जिसे जिनको ज़रूरत है वो भी आ सके। और बस इतना है यार, पढ़ाई करो, रिजल्ट आओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।